जंक फूड में अधिक नमक होने से जल्दी झड़ते हैं बाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम गर्ग और आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट। स्वास्थ्य खंड झंडुता के IEC सेक्शन द्वारा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह की देखरेख में स्कूलों में विभिन्न समसामयिक विषयों पर विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहीद अश्विनी कुमार आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडुता तथा उच्च विद्यालय बलघाड़ में स्कूल स्टाफ स्थित लगभग 600 स्कूली विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए खंड स्वास्थ्य शिक्षक रमेश चंदेल ने कहा कि जंक फूड में पाई जाने वाली नमक की अधिक मात्रा के कारण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। किशोरावस्था के दौरान ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। कालांतर में किडनी में सूजन, शरीर में वाटर रिटेंशन, हड्डियाँ कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, लकवा, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए उन्होंने किशोरों को दिन में कम से कम एक बार घर में उपलब्ध सस्ते मोटे अनाज का अंकुरित भोजन, जिसमें काले चने, सोयाबीन, कच्ची मूंगफली, मूंग तथा मेथी आदि शामिल हों, लेने का आग्रह किया। जंक फूड छोड़ने तथा ऐसा भोजन करने से जीवन में कभी खून की कमी नहीं होती, अर्थात होमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रतिशत से नीचे नहीं आएगा। श्री चंदेल ने कहा कि भारत के लगभग 25 करोड़ किशोरों की पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य आदि आवश्यकताओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जा रहा है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तथा नई दिशा केंद्र इस कार्यक्रम के मुख्य कंपोनेंट हैं। आगे कहा कि किशोर अपने जीवन में तंबाकू या किसी भी अन्य नशे का एक बार भी ना चखें, बल्कि योग, प्राणायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह निर्मित सादा तथा पौष्टिक भोजन, खेलकूद, लेखन कार्य तथा सकारात्मक विचार अपनाएं। इस अवसर पर किशोरावस्था तथा इससे जुड़े स्वास्थ्य पहलुओं पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें वंशिका प्रथम, रेणुका व सुजल द्वितीय तथा खुशबू तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पवन संख्यान, केशवानंद, राकेश शर्मा, शारीरिक अध्यापक रमेश ठाकुर, मुख्य अध्यापक देवराज, अवनीश कुमार, कुलदीप चंद्रशेखर, योग शिक्षक सुनील चंदेल तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमकर्ता सुमन चंदेल, आशा संभला, मंजू प्रामिला आदि भी उपस्थित रहे। स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।